पहली बात मैं iOS में खेलता हूँ, ठीक, iOS में हैक करना ये एंड्रॉइड नहीं है कि भाई रूट मार दिया हैक कर दिया, ठीक है, और ये इम्युलेटर नहीं है कि भाई तुमने हैक यूज कर रखे हैं और हैक दिखेंगे नहीं, ठीक है, iOS है भाई, इसमें हैक वूक नहीं होता। तो और क्या हाल है भाई लोग, अब जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हो सकता है कि मेरा ये करंट चैनल बंद करवा दिया जाए, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा जो अल्टरनेट चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वो चैनल को आप लोग जाके सब्सक्राइब कर लो। तो भाई लोग बात कर लेते हैं इस वीडियो की। तो ये वीडियो जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि केस टू के ऊपर डेडिकेटेड है, तो भाई मैं आप लोग के जानकारी के लिए कुछ बातें बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि केस टू बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टाइप का प्लेयर है, और मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्यों, क्योंकि भाई ये इतना ज़्यादा दिमाग लगाया है इसने ना, हैक करने के लिए, चीट करने के लिए, झूठ बोलने के लिए इतना ज़्यादा दिमाग लगाया ना, कि इतना दिमाग मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्लेयर ने, किसी भी हैकर ने कभी भी लगाया होगा। और इसकी कहानी इतनी लंबी है ना कि एक पार्ट में इसको पूरा कवर नहीं किया जा सकता, इसके वजह से इसके तीन पार्ट आएंगे। तो भाई लोग आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ फर्स्ट फेज देखेंगे, और फर्स्ट फेज में भी आपको इतना मज़ा आने वाला है ना, और आज की वीडियो देखने के बाद ना कोई भी केस टू का फैन होगा ना, वो ये कहना भूल जाएगा कि केस टू हैकर नहीं है। और आप सब लोग, जिन लोगों को भी डाउट था कि केस टू हैक करके खेलता है, आप लोग खुला बिल्कुल छाती ठोक के बोल सकते हो कि केस टू एक हैकर है। और जिन लोगों को भी डाउट होगा ना, उन लोगों से बस एक ही सवाल पूछना जो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, कि बस इस सवाल का वो जवाब दे दे, चाहे केस टू ही आगे दे दे, क्योंकि केस टू भी इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसके पास इस सवाल का जवाब नहीं है। जैसे कितना भी शातिर चोर हो लेकिन चोरी करने के बाद सबूत छोड़ ही देता है, ठीक उसी तरह से कितना भी बड़ा हैकर हो, हैकिंग करने के बाद कुछ ना कुछ सबूत छूट ही जाते हैं। और इतना लंबा करियर इसका, ऑलमोस्ट 3 साल का करियर है पबजी मोबाइल का, तो 3 साल के करियर में तो बहुत सबूत छूटे होंगे, और उसमें से एक बहुत ही ज़बरदस्त सबूत मेरे हाथ लगा है, वो आप जब वीडियो एंड तक देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो भाई लोग वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना, वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना, तभी जाके आपको सारी बातें समझ में आएगी। तो चलो भाई लोग शुरू करते हैं। तो भाई लोग शुरू से शुरू करते हैं। अब केस्टू भाई का सबसे पहला वीडियो आया था 2 जुलाई 2017 को, जो कि था कि टेकन को आप एंड्रॉयड में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी वीडियो आई थी, वहाँ से पबजी की वीडियोज डालना शुरू की थी उसने। अब 2 जुलाई 2017 से लेकर 16 दिसंबर 2018 तक यूट्यूब केस्टू के नाम से उसने बहुत सारी वीडियोज डाली, जो कि बेसिकली टिप्स एंड ट्रिक्स, फनी मोमेंट्स, ट्रोलिंग, टीम अप स्कैम्स और बहुत सारे कुछ मोटिवेशन, वॉल हैक्स, पॉन आइलैंड, सीक्रेट जो भी था, मतलब एक भी गेम प्ले का वीडियो नहीं था। गेम प्ले के अलावा सारे वीडियो जो भी हो सकते हैं वो सब उसने डाले थे। 16 दिसंबर 2018 के बाद 18 दिसंबर 2018 को केस्टू का नाम यूट्यूब केस्टू से सोल केस्टू हो गया, ठीक है। इसके बाद 20 दिसंबर को इसने अपना पहला गेम प्ले हाईलाइट का वीडियो डाला, जिसमें एक में 9 किल थी और एक में 7 किल थी। तो ये एक जेन्युइन गेम प्ले था, इसमें कोई भी कहीं से भी कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। इसके बाद 25 दिसंबर 2018 को इस गेम में 10 किल थी उसकी। इसके बाद एक और गेम प्ले अपलोड किया उसने 27 दिसंबर 2018 को, जिसमें इसकी 11 किल्स थी। दोनों जो गेम प्ले थे वो स्क्वाड वर्सेस स्क्वाड थे, और जहाँ तक मेरा मानना है इसमें किसी भी किस्म की कोई भी बेईमानी या हैकिंग या चीटिंग नहीं की गई, यहाँ तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तभी आती है केस टू की एक धमाकेदार वीडियो, जिसमें है 25 किल्स, और वो वीडियो वायरल हो जाती है। वायरल इसलिए हो जाती है कि आपको मैं बता देना चाहता हूँ, क्योंकि वो जो टाइम था ना दिसंबर एंड का, उस टाइम पे सोल वगैरह लोग बिल्कुल अपने पीक पे थे, सोल की टीम पूरे पीक पे थी, और ये लोग लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, और इन लोगों के मोस्ट किल्स जाते थे 10, 11, मैक्सिमम 12 से 13, उससे ज़्यादा नहीं जाते थे। तो केस्टू ने यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाया कि अगर मेरे 20 प्लस किल्स हो जाते हैं तो मेरी वीडियो वायरल होने से कोई नहीं रोक सकता है, और उसने एक ऐसा दिमाग लगाया जो कि बहुत ही बचकाना लगेगा आज के टाइम में, लेकिन उस टाइम पे ये सोचना बहुत बड़ी बात थी। तो उसने क्या किया, उसने कुछ नहीं करा, उसने बस सर्वर चेंज किया और KRJP सर्वर में जाके खेला। अब होता क्या है कि जब आप सर्वर चेंज करते हो तो दूसरे सर्वर में आप होते हो Bronze 5 पे, तो आपको मिलती है बिल्कुल नूब लॉबी और बॉट से भरी हुई लॉबी। तो उसमें उसने 25 किल्स किए, लेकिन कहीं पे भी मेंशन नहीं करा कि ये जो सर्वर था ये एशिया सर्वर नहीं था, ये KRJP सर्वर था। लेकिन भाई उस टाइम पे भी शाणे लोग थे,
जिन लोगों ने पकड़ लिया कि ये दूसरे सर्वर में खेल रहा था, क्योंकि इसका जो MS था यानी कि जो पिंग है वो थ्रू आउट द गेम ज़्यादा ही था, तो सबने पकड़ लिया और इसको बहुत सारी गालियाँ पड़ी। भाई देखो ये कमेंट्स की लिस्ट है, कितनी गालियाँ पड़ी इसको, इतनी ज़्यादा गालियाँ पड़ी ना कि नेक्स्ट वीडियो जो इसने अपलोड किया था वो भी KRJP सर्वर का ही अपलोड किया था, लेकिन उसमें स्टार्टिंग में ही ये बात उसने लिख दी कि भाई मैं एशिया सर्वर में रैंक पुश कर रहा हूँ, तो एशिया सर्वर में मैं रिस्क नहीं ले सकता मरने का, तो इसलिए मैं KRJP सर्वर में खेल रहा हूँ। और उस वीडियो में उसने करें 29 किल्स। तो भाई लोग ये थी इसकी पहली चालाकी जो कि पकड़ी गई थी, और जहाँ तक मुझे लगता है कि उस दोनों गेम में भी इसने अपने टीममेट के थ्रू हैक का यूज़ किया था, जिससे कि पता चले कि बंदे कहाँ हैं। लेकिन अभी उसमें हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास ब्रह्मास्त्र पड़ा है और हम फालतू के डिस्कशंस नहीं करेंगे। इसके बाद इसने एक गेम प्ले अपलोड किया 30 दिसंबर को जो कि था एशिया सर्वर में, जिसमें थे इसके 23 किल्स। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि इसका जो टीममेट था वो हैक यूज़ कर रहा था। हालांकि स्टार्टिंग में इसका टीममेट बताने लगता है कि बंदे इधर हैं, बंदे उधर हैं, बंदे वहां हैं, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद केस्टू उसको बोलता है कि भाई तू अपना माइक बंद कर ले और मुझे फोन पे ही बता क्योंकि गेम में आवाज़ आ रही है। उसके बाद आप पूरे गेम में देखोगे ना, केस्टू का जो माइक है वो ऑन है लेकिन उसके टीममेट का माइक ऑन नहीं है। इसका मतलब ये है कि केस्टू बात तो कर रहा था लेकिन उसका जो टीममेट रिप्लाई कर रहा था वो इन गेम रिप्लाई नहीं कर रहा था, वो या तो टेलीफोन पे रिप्लाई कर रहा था और या तो वो उसके साथ में बैठा हुआ था। एक बंदा आ रहा है बस यहाँ पे, देख अभी उतर रहा है, जाके मार दे उसे। एक्सलेंट वर्क। मेरे सामने डाल, मेरे सामने एक बंदा, मेरे पास गन नहीं है, जल्दी आ। मैं पता क्या कर रहा था, मैं बंदे ढूंढ रहा था कहाँ पे, ऊपर देख रहा था। नहीं, मैंने यहाँ नहीं देखा, एक बंदा सामने उतर, मैं उसे देख रहा था। अब यहां से केस्टू अपने टीममेट को बोल देगा कि तू अपना माइक बंद कर ले, और वो माइक अपना बंद कर लेगा और पूरे गेम में उसका माइक नहीं चलेगा। लेकिन इस बॉट को मारने के बाद उसका टीममेट उसको बता रहा होता है कि अगला एनिमी किधर है, और ये देखो बिल्कुल अंधों की तरह सीधा भाग रहा है, इतनी दूर से फुटस्टेप नहीं आती भाई जहाँ पे बंदा अभी निकलने वाला है। ये देखो ये सीधा जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, और इसके माइक से आवाज़ आ रही है, ये कुछ ना कुछ बोल रहा है, बात तो उससे कर रहा है, लेकिन उसके टीममेट की माइक पूरे गेम के लिए बंद हो गई। तो भाई लोग डेडिकेशन देख रहे हो लड़के का, हैक के प्रति कितना डेडिकेशन है, कैसे कैसे तरीकों से हैक यूज़ कर रहा है। अब इसका जो पार्टनर है ना, इसका जो टीममेट है, बस वो इसको ये बता रहा है कि बंदे कहाँ हैं, तुम मारो मैं बता रहा हूँ बंदे कहाँ हैं, और बोल बोल के नहीं होता तो मार्क भी कर देता है कि एनिमीज अहेड वहाँ पे हैं तुम मारो। अभी देखो ये मार्क भी कर देगा, ठीक है। आप अगर देखोगे ना गेम में इसके टीममेट की पोजीशन, तो इसके टीममेट की पोजीशन बिल्कुल इसके पीछे पीछे है, ताकि वो उसको बताता रहे कि सामने वाले घर में है, घर के ऊपर है। अब देखो ये सीधे जा रहा है, कोई इसको क्लू नहीं है बंदा किधर है नहीं है, लेकिन चूंकि इसका टीममेट इसको बता रहा है, इसके टीममेट को सारे बंदे दिख रहे हैं, तो वो बता रहा है कि सामने वाले घर में फर्स्ट फ्लोर पे या ग्राउंड फ्लोर पे बंदे हैं तो जाके मार। अब देखो इस घर के पास एक बंदा होता है जिसको ये मारता है, और उसके बाद देखोगे अगर आप तो इस घर के ऊपर से फुटस्टेप्स आ रहे हैं, लेकिन ये इस घर में अंदर घुसता ज़रूर है लेकिन ऊपर नहीं जाता है, ये जाता है सामने वाले घर पे जहाँ इसके टीममेट ने इसको बताया है कि बंदा है, और यहाँ पे आके फिर ये बंदे को फिनिश कर देता है। तो भाई ये देखो दिमाग का इस्तेमाल लेकिन कितने गलत जगह पे कर रहा है, कितना तेज़ दिमाग है कि भाई मैं हैक यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि मेरी आईडी बैन हो जाएगी, लेकिन मेरा टीममेट अगर यूज़ करेगा और मुझे बताएगा तो मैं हैक यूज़ भी करूँगा और पकड़ा भी नहीं जाऊँगा। तो भाई लोग सवाल पूछने वाले इसमें एक ही सवाल पूछ सकते हैं कि अगर इसका टीममेट हैक यूज़ कर रहा था तो क्या उसके टीममेट की आईडी बैन हुई कि नहीं। तो भाई मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर सत्यजीत नायक 7 के नाम से अगर आप पबजी मोबाइल पर सर्च करोगे तो एक आईडी मिलती है जिसका रिकॉर्ड सिर्फ सीज़न 5 का है और करंट सीज़न का है, जबकि ये गेम प्ले सीज़न 4 में खेला गया था और इस आईडी का सीज़न 4 का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। भाई इस 30 दिसंबर के गेम प्ले के बाद भाई ने एक और 31 दिसंबर को गेम प्ले डाला जिसमें टिप्स एंड ट्रिक्स का कुछ था जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद इम्पॉर्टेंट है जो 2019 में 1 जनवरी से जो स्कैम हुआ, जो कि सबसे बड़ा स्कैम है जो आज तक नहीं पकड़ा गया केस्टू, जिसके लिए वो स्कैम को आज मैं बिल्कुल पर्दाफाश करने जा रहा हूँ।
1 जनवरी और 2 जनवरी, ये 2 दिन इसने 2 गेम प्ले अपलोड किए, जिसमें 1 जनवरी का जो गेम प्ले था वो था शॉटगन ओनली चैलेंज, और उसमें उसके 28 किल्स थे, 28 किल्स। और दूसरा गेम प्ले था 2 जनवरी का, जिसमें इसके थे 37 किल्स। और इन दोनों गेम प्ले में इसने अपने आईपैड पे हैक का डायरेक्टली यूज़ किया, और जिसका प्रूफ मैं आपको सॉलिड प्रूफ दूंगा। तो नहीं मेरे पास एक है भाड़ में, अरे ये फक मुझे पड़ी का 98 के। अरे भाई इस क्लिप को ध्यान से दोबारा हम लोग देख रहे हैं कि इस क्लिप में इस बंदे को मारने के बाद ये उसकी क्रेट को लूट रहा होता है और इधर जाता है जब उसको लेफ्ट से गन शॉट सुनाई देते हैं, लेकिन वो उधर ना जाके इधर जाता है जहाँ से एक बंदा कार 98 बाद में चलाता है, लेकिन पहले इसको पता होता है कि वहाँ पे ऑलरेडी एक बंदा है और फिर ये उसके ऊपर जाके उसको मार देता है। इसकी M7 तो मैं लूंगा। स्वाति इस क्लिप में हम लोग देखेंगे कि यहाँ से निकलने के बाद जब ये दीवार के पीछे एक बंदा छिपा होता है उसको मारता है, उसको मारने के बाद ये सीधा सीन कट कर देता है जब ये आगे की तरफ जा रहा होता है सामने घर की तरफ, लेकिन एकदम से यहाँ पे रुक के पीछे मुड़ के देखता है और वहाँ से एक बंदा आ रहा होता है, तो जो इसको पहले से ही पता होता है। लोल एक वो है भाई लोग, अच्छी बात यह है कि इसमें इसने बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं डाला है, जिसकी वजह से फुटस्टेप या और भी गेम के जो साउंड है बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे दो बंदे या बॉट जो भी कह लो वो लड़ रहे थे और उन दोनों को ये खत्म कर देता है। खत्म करने के बाद ये आगे बढ़ते हुए लेकिन सीधा एकदम से पीछे जाता है कि इस वेयर हाउस से कोई निकल रहा है, और देखो यहाँ पे एक बॉट निकलता है और फिर ये उसको मार देता है। कहाँ पे? ओ फक। भाई लोग, ये क्लिप में थोड़ा स्लो कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखो सामने कोई भी बंदा नहीं दिख रहा है, लेकिन इसने तभी अपना गन स्विच कर लिया 6x वाला और फिर वहाँ पे फायर करने लगता है, और जब स्कोप इन हो जाता है तब तो दिखाई देता है, लेकिन स्कोप इन से पहले नहीं दिख रहा था। आप मैग्नीफायर लगा के देख लो, जैसे मर्जी देख लो, बंदा वहाँ नहीं दिख रहा था। और लेफ्ट साइड से इसको एक शॉट आता है और जो शॉट जिसने मारा वो दिख नहीं रहा, लेकिन सीधा इसका स्कोप खुलता है उसी बंदे पर और फिर ये उसको नॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन नॉक ये कर नहीं पाता है, तो फिर ये एक शॉट और लेता है इसके बाद, जिसमें एक भी गोली उसको नहीं पड़ती है, ठीक है, लेकिन फिर ये रुक जाता है और फिर ये आराम से निशाना देख के कि बंदा कहाँ है फिर उस पर फायर करता है। अभी देखो ये पीछे फायर कर रहा था, लेकिन वो बंदा थोड़ा सा राइट खिसक के आ गया था, जो कि इसको बिल्कुल घास के अंदर भी क्लियर क्लियर दिख रहा है। तो भाई लोग, अब एक ही सवाल उठता है इसमें कि अगर ये अपने डिवाइस से, अपने आईडी से हैक यूज़ कर रहा था, तो वो आईडी इसकी बैन क्यों नहीं हुई? तो मैं आप लोग को अब एक राज की बात बता देना चाहता हूँ कि ये जो केस्टू है ना, ये डबल आइडेंटिटी में जी रहा था, मतलब डुअल पर्सनालिटी, मतलब दो आईडी, एक आईडी नॉर्मल आईडी जो इसको आगे तक लेके जानी है, और एक आईडी फेक आईडी जो गेस्ट आईडी है, जिसमें हैक लगा के गेम प्ले अपलोड करना है इसको, जिसमें 25 किल, 30 किल, 37 किल, उसके लिए ये अपनी दूसरी आईडी यूज़ करता था। अब दोनों आईडी का डिफरेंस समझ लो, जो इसकी मेन आईडी थी ना वो थी सोल केस2, जिसमें सी कैपिटल था, और इसकी जो हैक आईडी थी, जो फेक आईडी थी, जो सेकेंड आईडी थी,
वो थी सोल केस टू, जिसमें सी लेटर जो है वो स्मॉल लेटर है, बहुत माइनर का डिफरेंस, लेकिन पकड़ा नहीं गया आज तक ये लड़का भाई। ये तो वही हो गया ना, एडिडास का डी चेंज कर देते हैं, एबिबास कर देते हैं, बस सेम उसी तर्ज पे इसने दिमाग लगाया। और गेस्ट आईडी है भाई, अगर पकड़े भी गए, बैन भी हो गए, तो दूसरी गेस्ट आईडी बना लेंगे, जो कि इसकी बैन भी हुई, जिसके बारे में डिटेल में हम लोग अगले पार्ट में बात करेंगे। और दोनों आईडी से ये खेलता था, जिसमें से एक आईडी मेन आईडी थी, जिससे ये मेन गेम्स खेलता था, सोल के गेम्स खेलता था, स्क्वाड वर्सेस स्क्वाड खेलता था, जिसमें इसके 10 11 12 किल्स होते थे। और एक आईडी थी इसकी फेक आईडी, हैक आईडी, सेकेंड आईडी, जिससे ये हैक लगा के खेलता था और 25 30 35 37 बंदे मारता था और उसके गेम प्ले अपलोड करता था। अब एक ही बस गुंजाइश रह जाती है कि मैं गलत हूं, इसकी सिर्फ एक गुंजाइश है कि भाई वो दोनों आईडी सेम ही है, लेकिन इसने रीनेम कार्ड से नेम चेंज करा होगा। तो ये बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है, और ऐसा हो सकता है कि अगर आपने नाम चेंज करा, एक बार सी स्मॉल में रखा, फिर बाद में आपने सी कैपिटल कर लिया, लेकिन 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 जो इसकी मेन आईडी है, जो इसकी मेन आईडी है सोल केस टू, ये रहा आईडी नंबर, इस पे जाके आप चेक करो। और सीजन 4 में मुझे किसी भी सर्वर में 37 हाईएस्ट किल दिखा दो, वो आपको मिलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि वो है नहीं। क्यों? क्योंकि वो दूसरी आईडी से उसने खेली थी। और ये देखो, मैं दिखाता हूँ आपको प्रूफ कि ये रहा उसका स्टैट सीजन 4 का, जो उसने केआरजेपी सर्वर में खेला था, उसके पूरी स्टैट्स हैं, लेकिन उसमें भी जो हाईएस्ट किल है 37 नहीं है। और इसके अलावा आप किसी भी सर्वर में देखोगे ना, कहीं पे भी इसके 37 हाईएस्ट किल नहीं है। तो भाई इसके जितने फैंस हैं ना, जो डाई हार्ड फैंस हैं, और जो केस टू खुद है, उनसे सिर्फ एक सवाल पूछो कि ये जो तूने 2 जनवरी को गेम प्ले अपलोड किया था, जिसमें तूने 37 किल्स किए थे, उसके स्टैट्स कहाँ हैं? बस इतना सवाल पूछना है और कुछ नहीं पूछना। एक सवाल जो मैंने आपको बोला था ना कि मैं ब्रह्मास्त्र दूंगा, यही ब्रह्मास्त्र है कि 2 जनवरी 2019 को जो तूने गेम प्ले अपलोड करा था, जिसमें तेरे 37 किल्स थे, उसके स्टैट्स कहाँ हैं? तो भाई बस यही आज का वीडियो था, और इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए करो शेयर जितना मर्जी है, दबा के शेयर करो, किसके पास भी अगर आंसर मिलता है तो बताओ मुझे। तो बस भाई, वीडियो बहुत लंबी हो गई है और अब सुबह के 4 बजने को आए हैं, इसलिए मेरी आवाज़ भी थोड़ी खराब खराब सी हो रही होगी। तो बस एंड करते हैं इस वीडियो को यहीं। पार्ट 2 बहुत जल्द आएगा, मैं जल्दी अनाउंस करूंगा, या तो डिस्कॉर्ड पे या इंस्टाग्राम पे, कहीं ना कहीं पे मैं बता दूंगा पार्ट 2 कब आने वाला है। आप लोग बस जुड़े रहिए, अपना प्यार देते रहिए, क्योंकि मेरा जो मकसद है वो मकसद हम पूरा करेंगे सब साथ मिलकर। इन हैकरों की दुकान बंद करेंगे और जेन्युइन प्लेयर्स की दुकान शुरू करेंगे।